व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, होपली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मजे में। आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं थोड़ी देर बाद निकलूंगा देहरादून, क्योंकि गोप्रो सही करवाने जाना है यार। और देखते हैं एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, या बैटरी एक्सचेंज होगी या नहीं होगी। बाकी जाएंगे अभी, देखते हैं। गोप्रो चेंज हो जाए तो मजा ही आ जाएगा यार, ब्रांड न्यू कैमरा मिल जाएगा। मैं फिर अभी मैं सो के उठा, पहले नाश्ता कर लेते हैं फटाफट। और उससे भी पहले, सबसे पहले मैं दोनों को अभी ले जाऊंगा, थोड़ी बहुत ही सर्विस कराऊंगा, क्योंकि कुछ है तो नहीं इशू जिससे मैं प्रॉब्लम हो, क्योंकि कल हम निकल रहे हैं हिमाचल, तो इस वजह से। और हिमाचल के बाद फिर हमें एक और जगह जाना है, तो दो दो जगह जाएंगे, तो देखना आप। उससे पहले मैं दोनों ठीक करा लेता हूँ, और उससे पहले अभी नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी भी जाएगी क्या? है तैयार थोड़ी मम्मी? पूरे काले बाल कर रही मम्मी। क्या निकाला? वीडियो निकालना थोड़ी ना अपलोड करना होता है। ना करूंगा मैं। नहीं बेटे। क्यों बेटे? बुढ़ी अम्मा दिख जाएगी इसलिए। बिल्कुल उसमें ना, उसमें कुत्ते के साथ सफेद बाल हो रहा है और उसमें निकाल रखा है इसने करके। तो कोई नहीं, आपको बुढ़े पसंद कर रहे। आप क्या रेडी हो गए? बैग तेरा और आपका? मेरे तो साड़ी है बस। इसी रख लिया, अपना सामान रख लिया, मतलब कंप्लीट। तो निकल लो फिर से। यार मेरी भी कर दो वैक्स। हाथ में लगाऊंगा, देखो हाथ में चर होगा, चर है। ये अच्छा चमक गई मम्मी। तो यार अभी नाश्ता भी हो गया, बाकी अभी चलते हैं दोनों को लेके। पहले मैं खुद से भी देख लूं यार इसका मोबिल ऑयल ठीक है या नहीं। जो पीछे वाला टायर है ना, ये डलेगा इसमें, ये वाला। तभी तो ये उस टाइम पे बाहर निकल गया था। हाँ पूरा ही नया डलेगा। हाँ वही बोल रहा है कि पूरा ही नया डलेगा। चक्का या टायर? चक्का नहीं, टायर। बढ़िया करके चुनना लग गया। अब पता नहीं कितने का डलेगा ये तो पता नहीं। चलो यार इतना तो है कि अभी हिमाचल जा रहे हैं ना, तो हिमाचल के लिए मतलब चल जाएगा उतना तो काम। बाकी वहाँ से आके देखेंगे, टायर डलवाएंगे नहीं डलवाएंगे। ऑल अबाउट मनी ब्रदर। जैसे मैंने खाना खाया तो आदमी की कॉल आई, तो अभी वो बोल रहे हैं कि जो गोप्रो वाले भैया है ना, जो चेंज करके देते हैं, उनके यहाँ अभी स्टॉक ही नहीं आया गोप्रो का, तो चेंज तो क्या ही करेंगे। तो जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, वहाँ का तो कैंसिल हो चुका है। बाकी उन्होंने धनो तो दिखा दी, इसके पीछे वाले टायर में प्रॉब्लम है, और शाम को यार जिम भी जाना है। नो नो, अभी हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अभी देखना है क्या चीज बना के दूंगा मैं उन्होंने को, ठीक है। ये देखो, एक दो तीन चार, ये तोड़ दिया। अब देखो, ये ले रबड़ हाथ में और ऐसे कर रही क्रॉस में, और ये देखो, ये ऊपर देखो जरा, वो हो गया। अभी इसे और टाइट कर देते हैं, जिससे दूर जाएगा, वहाँ जाएगा छत पे। ये वो गया है ना, इससे गिरा के दिखाऊंगा मैं। ये तो मिस हो गया, उठा के जाओ जल्दी लाओ फास्ट। क्या लगता है गिरेगा? अबे ये टूट गया, अब क्या गिरेगा? हाउ आर यू? कैमरा देख के एकदम चाहिए तुम। आओ प्रधान जी, बता रहा हूँ हमारे घर में बगेरा कैसे होता है, बताओ आप। बकेरा किसने बताया आपको? मम्मी ने। वो ना पूरे तरफ से ब्लैक तो होता है, और उसके पैर भी और उसके हाथ भी ब्लैक ब्लैक, और उसकी आईज चमकती रहती है रात को। दिन में क्यों नहीं चमकती? दिन में भी चमकती है। आपने देखा? जंगल में देखा था। कब देखा था? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो मुझे दिखता नहीं है। अभी तो आपने बोला मैं देखा। नहीं देखा था। तो आपको कैसे पता है? हमारे यहाँ नहीं आता। तो आपने 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 कैसे बोला कि चमकता है? हमारे टीवी में देखा था। कब देखा? फोन में। कब? एक जो पापा के पास दो दो फोन थे, एक था ब्राउन एक था आईफोन, तो एक वाला मैंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? मारा नहीं आपके पापा ने आपको? नहीं, मैंने गिर गिर दिला बुआ में, वो गिरा। अब देखो मैं वहाँ बैठी हुई खाना खा रही हूँ, और ये वहाँ बैठी हुई, एकदम जाके थोड़ी पकड़ लूंगी, जैसे सुपर हीरो होंगी। हमेशा बड़ों को ही डांट पड़ती है, छोटों को नहीं पड़ती। मैं ठीक हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। गंदे मामा, आपने छोटे अब तो बड़े हो।
जो हमारी जिम है ना, जिम के साइड पे भयंकर माना तेंदुआ रखा है भयंकर। उसने कम से कम ना 10 से 12 कुत्तों को खा लिया और उनकी उनकी मुंडी मुंडी मिली बिचारों की। मेरे को तो डर लग रहा है अब तो उधर की साइड अगर जाऊंगा ना तो स्कूटी भी जाऊंगा, पता नहीं चल रहेगा पीछे से कौन आ रहा है, कोई नहीं और कोई बचाने का भी नहीं क्योंकि कुत्ता नहीं काट रहा हो वो काटेगा लेपर्ड। और भाई वो तेंदुए होते हैं खतरनाक, कुत्तों जैसे तो होते नहीं, वो भयंकर खतरनाक ही होते हैं, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। अभी सुनने में आया अगर मेरे को फोटोज वगैरह मिली मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा। पर यहाँ कैसे आ गया समझ नहीं आया कुछ, मगर फिर भी खतरा है भाई। अभी मैं छत पे था ना तो बच्चे वगैरह बता रहे थे, फिर मैंने कॉल करके पूछा एक से तो वो बता रहा है कि भाई सच में आ रखा है कि जंगलात वाले आ रखे थे इधर ना पकड़ने के लिए आ रखे थे जंगलात वाले। खतरा है यार, रात को तो बाहर भी नहीं निकलना है वरना टाइम टाइम फीस हो जाएगी। हेलो गाइस, आप कैसे हैं? ठीक आज यार जिम नहीं जा पाया मैं क्योंकि मेरे ना राइट हैंड में ना पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, इस वजह से अभी भी मेरे पे हाथ पकड़ा नहीं जा रहा है, उल्टे हाथ से मेरे पे व्लॉगिंग ज्यादा होती नहीं तो इस वजह से मैंने इससे पकड़ा है कैसे ना कैसे। बाकी इस वाले व्लॉग को मैं थोड़ी देर में एडिटिंग करूंगा, फिर खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर सो जाऊंगा। बाकी कल हम हिमाचल निकलेंगे तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। बाकी ये वाला व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाकी दिस और फॉर दो लोग गाइस मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा टेक केयर एंड बाय।